नमस्कार लियो। लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस एन डी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली रीडिंग होंगी। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और ये रीडिंग अगले 5 से 6 दिन के लिए वैलिड रहेगी, यानी 1 सप्ताह के लिए भी आप इसको लेकर चल सकते हैं। तो इस और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर लीजिए। और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू अगर कोई बात करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लियो के पर्सन हैं उनकी लियो के प्रति फीलिंग्स क्या है, वो उनके लिए क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे कि लियो अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं। अगले 72 आवर्स में लियो के पर्सन लियो के लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि जो लियो के पर्सन की फीलिंग्स हैं वो क्या है, लियो के पार्टनर की फीलिंग्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लियो जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जब से वो इस वो महसूस कर रहे हैं कि जो ये रिश्ता रुका रुका सा है, थंबा थंबा सा है, इसमें एक ब्रेक लग गया है। वो कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं, आंखों से पट्टियां बंधी हुई हैं, क्रो साथ किए हुए हैं, यानी कि वो दो राहें पर खड़े हुए हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले वो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस कंफ्यूजन से, इस दिक्कत से बाहर आए। और जो भी उनके साथ कोई भी अगर इस रिश्ते में छल कपट हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करके, उन जो इस क्रॉस मार्ग से दूर हटकर इन चीज़ों को, जो उनकी भाव हो सकता है कि उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, कुछ छिपा गया है, कुछ धोखाधड़ी हुई है, कुछ, तो उन सब चीज़ों को वो महसूस कर रहे हैं कि इस क्रॉस मार्ग से हटकर जो रास्ता उनको सही राह दिखा रहा है, सही मार्गदर्शन कर रहा है, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में वो लियो के साथ वापस जाना चाहते हैं, इस रिश्ते की सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। क्योंकि उनको जब भी वो इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि ये रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उनको जो लियो हैं वो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, उनका काम करने का तरीका उनके मन को भाता है, उनको लगता है कि जो भी काम करते हैं वो बड़ी खूबसूरती से करते हैं। तो उनकी तरफ अट्रैक्शन है, उनकी तरफ आकर्षण है, वो हमेशा महसूस करते हैं कि वो काफ़ी मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपना है, वो काफ़ी सिचुएशन को संभालने वाले हैं और काफ़ी खूबसूरती से जो भी काम करते हैं वो अच्छा करते हैं। तो वो उन चीज़ों को इस वो चाहते हैं कि आगे जाकर उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, जो भी बात हो खुल कर हो, आमने सामने हो, तो और इस कन्फ्यूज़न से, इस दिक्कत से बाहर निकल कर वो जो मार्ग उनको अच्छा लगता है उस पर जाना चाहते हैं, उस पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इस रिश्ते में दोबारा से आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ये रिश्ता काफ़ी अच्छा लगता है, उनके मन को भाता है, जो उनका लियो की तरफ काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी आकर्षण है, काफ़ी इस रिश्ते में वो दोबारा से इस कंफ्यूजन, इस परेशानी से, दिक्कत से बाहर आकर आना चाहते हैं। तो और थोड़ा सा वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि जो लियो के पर्सन हैं, जो भी वो काम करते हैं, जो भी उनका पैशन है, जो भी उनका जुनून है, वो उस काम को ज़रूर करें, लेकिन जो भी चीज़ें उनको हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको दिखाई जा रही हैं, उनमें प्रलोभन दिया जा रहा है, लालच दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें होने वाली हानि को वो इग्नोर ना करें, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती। तो वो भी इनके लिए महसूस कर रहे हैं कि वो अपना पैशन, जुनून जरूर फॉलो करें जो वो करना चाहते हैं, लेकिन वो हर चीज़ को के साथ होने वाले फ़ायदे के साथ
होने वाले नुकसान को भी इग्नोर ना करें, ऐसा वो उनके लिए महसूस करते हैं, ऐसा उनके लिए सोचते हैं। आप देखते हैं कि लियो क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के लिए। किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जो लियो हैं उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में अब भी दोनों तरफ से एक दूसरे के प्रति प्यार है, प्रेम है, लगाव है, इमोशंस हैं। भले वो उनको एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि वो इस रिश्ते को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनके साथ इसमें जाना चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते में क्योंकि अभी माइंड गेम चल रहे हैं, मैनिपुलेशन चल रही है, तो उनकी ईगो हर्ट हो रही है। तो जब तक ये माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रहे हैं, जब तक उनकी ईगो हर्ट हो रही है, तब तक वो इस रिश्ते में जो भाग्य के भरोसे इसको छोड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि जो भी काम होगा यूनिवर्स ही ठीक करेंगे, और जो उनका समय, जो ये व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है, ये भाग्य का पहिया बता रहा है कि कुछ उनका समय अच्छा आ रहा है, तो वो ये भी सोच रहे हैं कि यूनिवर्स जो उनका अच्छे समय ला रहे हैं। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ, संस्कारों के साथ, बिना कोई माइंड गेम खेले, बिना कोई एडिक्शन के, बिना कोई गलत काम करे, अगर धीरे धीरे इस काम को, अगर वो इस समय को अच्छे अच्छे कामों में लगा लेते हैं, पॉजिटिव बना लेते हैं हर चीज़ को, हर रिश्ते को, और ये इस रिश्ते को अच्छे कामों में यूटिलाइज़ करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है, और काफ़ी प्यार प्रेम इस रिश्ते में हो सकता है। तो वो जब तक माइंड के मैनिपुलेशन चल रहे हैं, तब तक वो इमोशन शेयर नहीं करना चाह रहे, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं, वो यूनिवर्स के भरोसे, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं कि अगर लियो, इस लियो के पर्सन इस रिश्ते की तरफ समय के साथ चलते हैं और समय को अच्छे अच्छे कामों में यूटिलाइज़ करते हैं, तो धीरे धीरे करके चीज़ें उनके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन रिश्ता पॉजिटिव ज़रूर बनेगा। तो ऐसा वो अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, वो इस समय को यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, इसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, समय के साथ वो चलना चाहते हैं। तो देखते हैं कि अगले 72 आवर्स में लियो के पर्सन लियो के लिए क्या एक्शन लेंगे, क्या लियो के पर्सन अगले 72 आवर्स में लियो के लिए कोई एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफंट। तो जो लियो के पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार है, काफ़ी प्रेम है। जब भी वो इस रिश्ते के बारे में महसूस करते हैं, उनको एक सोलमेट रिश्ता दिखाई देता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन दिखाई देता है। तो आगे जाकर वो इस रिश्ते को महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, कमिटमेंट वगैरह दी जाए, शादी में भी कन्वर्ट किया जाए, और इस चीज़ में वो फैमिली की, परिवार का सपोर्ट लेना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं और मदद करना चाहते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद वो वेट, सही समय आने का, सही वक्त आने का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि जो लियो हैं वो आगे बढ़ें और इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करें या कमिटमेंट वगैरह करें, और परिवार फैमिली की मदद लेकर इसको एक फैमिली, एक परिवार बनाएं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, या फिर वो थोड़ा सा वेट इंतज़ार करें, या फिर वो खुद आगे बढ़ें और इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाए। इसमें वो परिवार का, फैमिली का, उनकी मदद इसमें मिल सकती है, क्योंकि ये रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है। इसमें कमिटमेंट वगैरह हो सकती हैं और लॉन्ग टर्म में जाकर शादी भी पॉसिबल है। तो इसमें वो अगर चाहें तो किसी की भी, फैमिली की, परिवार की, मेंटोर की, गुरु की, क्लिक की, या बॉस की, किसी की भी मदद ले सकते हैं। तो देखते हैं कि इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड द फूल। तो इसकी गाइडेंस बता रही है कि उन्हें
इसमें कोई बचपना कोई नादानी नहीं करनी चाहिए बिना सोचे समझे। इसमें आंखें मूंद कर किसी पर बिलीव नहीं करना चाहिए और आंखें मूंद कर जंप नहीं लगाना चाहिए। इसमें किसी के अगर कोई इसमें अपनी बड़ा बुजुर्ग है या कोई भी है उसकी मदद लेकर इसमें सोच समझ कर आगे कदम यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बुद्धिमानी समझदारी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और सोच विचार करके आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो आप दोबारा से इस रिश्ते में नुकसान उठा सकते हैं। और करेज के साथ हिम्मत के साथ साहस के साथ डिटरमिंड बंदे की तरह डिटरमिनेशन के साथ अगर आप लॉयल्टी के साथ ईमानदारी के साथ साहस के साथ आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे जा सकता है। और जब उससे पहले आपको अपने पैरों पर अपनी जिम्मेदारियां लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप अपने आप को स्टेबल करें, अपना नेम अपना फेम अपना बिजनेस अपनी दुनिया अपने लोग अपनी पर्सनैलिटी आप फ्रीडम के साथ आज़ादी के साथ आप अपने पैरों पर खड़े हों, अपना स्टैंड लें। उसके बाद धीरे धीरे करके जब आप अपना स्टैंड लेंगे, जब ये रिश्ता स्टेबल हो जाएगा, जब ये रिश्ता मजबूत हो जाएगा, तो उसके बाद आप धीरे धीरे करके खुली आँखों से यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए बड़ों की सलाह लेकर मशवरा करके दूसरों से तब इसमें धीरे धीरे करके आगे बढ़े। डिटरमिंड बंदे की तरह करेज और साहस के साथ आगे बढ़े, आपको इस रिश्ते में सफलता ज़रूर मिलेगी, काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से आपको मिल सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगती हैं अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अब तक नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और कमेंट्स देने अगर शुरू नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप दीजिए ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ और बनाने में मुझे मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।